हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कुछ ताज़ा, कूल और रिफ्रेशिंग मिल्क शेक्स। ये थिक फ्रूट शेक्स हैं और ये बहुत यमी है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 5 तरह के मिल्क शेक सिर्फ आधा लीटर दूध से मैंने बनाए हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के केले लिए हैं। मैंने इलायची केला लिया था, आप दूसरा भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैं हनी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो हनी को स्किप करके चीनी ऐड कर सकते हैं, पर इससे फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा आता है, इसलिए मैंने ऐड कर लिया था। 2 मीडियम साइज़ का मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ खजूर। बीज निकाल लें और फिर आपने ऐड कर लेना है। साथ में मैंने 2 काजू लिया है, आप कोई दूसरा नट भी ऐड कर सकते हैं, तो इससे ये और ज़्यादा हेल्दी बन जाता है। और इलायची का पाउडर, जो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं तो स्किप कर दें। दूध मैंने ऐड किया है 1/2 कप, ये बिल्कुल चिल्ड है। आप चाहें तो 1/2 कप दूध के साथ थोड़ा बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं और इसको हम स्मूथ ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, ये हमारा शेक बनके तैयार है। इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बहुत ही स्मूथ, क्रीमी और थिक बनके ये तैयार हुआ है। आप केले की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा थिक शेक चाहिए। अब दूसरा हम यहाँ पर बनाएंगे चिक्कू का मिल्क शेक। तो मैंने 4 मीडियम साइज़ के पके हुए चिक्कू लिए हैं, उसका स्किन और बीज निकाल के अलग कर लिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप भरकर ठंडा दूध। चिल्ड दूध इस्तेमाल करें, आप चाहें तो बर्फ़ इसमें भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे ऐड करूँगी थोड़ा सा इलायची का पाउडर। जैसे मैंने बताया था, इलायची पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है उसका फ्लेवर तो आप बेशक उसको स्किप कर सकते हैं। और साथ में हम ऐड कर देंगे चीनी। तो चीनी मैंने लिया था 2 से 3 टेबलस्पून, जितना आप स्वीट पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर लें। और ये है थिक और रिफ्रेशिंग चिक्कू का मिल्क शेक। तो अब हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है स्ट्रॉबेरीज, उसको क्लीन करके चॉप कर ली हैं। 1/2 कप भर कर ऐड करेंगे बिल्कुल ठंडा या चिल्ड दूध, साथ में आप बर्फ़ यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। और चीनी ली है 2 से 3 टेबलस्पून। स्ट्रॉबेरी थोड़ा सा खट्टा होता है, तो कम ज़्यादा चीनी आपने एडजस्ट कर लेना है। और ये है हमारा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। आप चाहें तो इसको खट्टे हुए नट्स के साथ डेकोरेट कर सकते हैं, नट्स मुंह में आने से वो टेस्टी ही लगते हैं। अब हम बनाएंगे पपाया मिल्क शेक। पपाया मिल्क शेक बहुत हेल्दी बनके तैयार होता है। 1 कप मैंने कटे हुए पके हुए पपीते लिए हैं और इसमें ऐड कर लेंगे 1 कप से थोड़ा सा कम ठंडा दूध। इसके अलावा हम ऐड करेंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर। बस आप चाहें तो नट्स ऐड कर सकते हैं, बट इसमें और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैंने चीनी ऐड कर लिया था उसको स्वीट करने के लिए, और इसको हमने स्मूथ ग्राइंड कर लेना है। तो ये बिल्कुल स्मूदी की तरह थिक बन जाता है। इसको आप जब थोड़े देर के लिए रख देंगे तो ये और थिक हो जाता है, तो आप कंसिस्टेंसी दूध की कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस ये भी तैयार हो गया है। और लास्ट अब हम बनाएंगे कलिंगड़ का मिल्क शेक। तो 1 कप ऊपर तक भरकर बीज निकाल कर कलिंगड़ के टुकड़े ले लिए हैं। लाल पके हुए अच्छे मीठे कलिंगड़ इस्तेमाल करें। और इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप चिल्ड मिल्क। ज़्यादा मिल्क या बर्फ़ ऐड करने से ये थोड़ा सा पतला हो जाता है, बिकॉज कलिंगड़ में बहुत पानी होता है। तो बस अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी चीनी, जितना ज़रूरी है बस उतना ही ऐड कर लें। और नट्स में मैंने यहाँ पे 2 काजू ऐड किया था, क्योंकि ये बहुत पतला सा हो जाता है। और स्मूथ ग्राइंड कर लें। और ये हमारा कलिंगड़ का मिल्क शेक ताज़ा, कूल और रिफ्रेशिंग बनकर तैयार है। ये सारे शेक्स जो हैं, ये सिंपल सी है रेसिपी, बट पीने में बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। आप चाहें तो सारे फ्रूट्स को मिक्स करके मिक्स फ्रूट शेक भी बना सकते हैं। नट्स ऐड करना, नहीं ऐड करना, आपकी चॉइस है। बहुत ही टेस्टी, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये हमारे सारे शेक्स बनकर रेडी हो गए हैं। इनको मैंने 1/2 लीटर दूध से ही तैयार किया है। तो ज़रूर ट्राई करिए इन शेक्स को, हेल्दी समर ड्रिंक्स। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग नहीं है। आप चाहें तो चॉप नट्स जितना चाहें ऐड करके उसको और ज़्यादा टेस्टी और नटी बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर। बाय।